Now, friends, let us stand in attention and sing praises of our motherland by reciting the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchal Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mage Gaye Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dhayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जय हिंद बिरादराने वतन, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं शांग्रीला की तरफ से यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही मुबारक दिन है आज। आज वो दिन है जिस दिन हमने जुल्म के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जीती थी, और ये वो दिन है जहाँ पे हम याद करेंगे उन वीरों की, उन बहादुर मुजाहिद वतन की कुर्बानियों को जिसने हमें आज ये हिंदुस्तान दिया है जिसमें हम खुल के सांस ले सकते हैं आज़ादी के साथ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, येस वी लिव इन दैट कंट्री वेयर द माइंड लिव्स विदाउट फियर। तो आइए सबसे पहले हम इस बात पर रोशनी डालें कि हुब्बुल वतनी की क्या अहमियत होती है। खतरा लहू का मेरा पुकारे, मैं हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, नाजा हूँ अपनी किस्मत पे मैं हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी। ये वो मुल्क है जहाँ पर हमने अपनी आँखें खोली, ये वो मुल्क है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया। याद रखिए, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरा हिंदू होना या मेरा मुसलमान होना या मेरा सिख होना या मेरा ईसाई होना, ये वो फ़ैसला है जो मैंने लिया है, मगर मेरा हिंदुस्तानी होना, ज़मीन के इस हिस्से पे पैदा होना, ये वो फ़ैसला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी किस्मत में लिखा है। तो मैं अपनी किस्मत में नाज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरज़मीन पर मुझे पैदा किया, और हमको जिद्दोजहद करनी चाहिए। देखिए, आज हम ग़ुलाम अंग्रेज़ों के नहीं हैं, मगर बावजूद इसके हम हमारी कोताही के ग़ुलाम बन के रह गए हैं। आज हम ग़ुलाम अंग्रेज़ों के नहीं हैं, मगर हम आज इलिटरेसी के, पावर्टी के ग़ुलाम बन के रह गए हैं। गुर्बत, इलिटरेसी, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में आज तक पूरी तरह से मिटी नहीं है। याद रखो बच्चों, असल हुब्बुल वतनी झंडे लेके ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने को नहीं हो कहेंगे। असल हुब्बुल वतनी वो होगी, वतन की खिदमत का ढंग ये होगा कि हम अपनी ज़ात से, हम अपनी सलाहियतों से वतन की तरक्की के लिए वो कंट्रीब्यूशन करें जिससे वतन उस मुकाम पे पहुँचेगा जहाँ पर दुनिया हमें सर उठा के देखेगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपनी सलाहियतों को उजागर कीजिए, जी लगा के पढ़िए। देखिए, आप उस दौर में नहीं पैदा हुए जिस दौर में आपको अंग्रेज़ों से लड़ना था, आप इस दौर में पैदा हुए हो जिस दौर में आपको अपनी पढ़ाई को एक जंग समझ के, अपनी सलाहियत को बढ़ाना, इसको एक जंग समझ के आपको पढ़ना है और वो हासिल करना है। उन्होंने जंग लड़ के आज़ादी हासिल करी, अब हमारे मुल्क को तरक्की पे पहुंचाना ये आपका काम है। तो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट। वी आर अ कंट्री ऑफ मेनी यंगस्टर्स, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स, ओके? तो यंगस्टर्स के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इंशाल्लाह ताला ऑल ऑफ अस विल मेक आर कंट्री प्राउड। जय हिंद एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। हमको आत्मनिर्भर बनना है, अनडाउटेडली हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर से ये बोलूँगा, हिंदुस्तान की इज़्ज़त, हिंदुस्तान का विकार,
इसीलिए कायम है क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने आप को जो संविधान दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जब तक उसके लिए हिंदुस्तानी खड़े रहेंगे, हिंदुस्तान का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि द वैल्यूज़ ऑफ सेक्युलरिज्म, द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, द वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, द वैल्यूज़ ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इसको हमको अपहोल्ड करना है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम हैं, इंशाल्लाह हम रहेंगे। एक दूसरे का ख्याल रखने वाले एक वेलफेयर स्टेट हम हैं, हम रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा, सच्ची हुब्बुल वतनी क्या होगी? सच्ची हुब्बुल वतनी वो होगी जब संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के लिए बच्चा बच्चा खड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा रीसेंट पास्ट में कि पीपल हैव स्टूड अप फॉर द वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक ऐसे लोग जिंदा है, हिंदुस्तान का विखार इंशाअल्लाह ताला कभी कम नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क को और सारे आलम को वबा से बचाए, इस COVID-19 पैंडमिक से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ के नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ के खेतों को लहलहाता रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे खूब बरकतें रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे ऐसे लोग रखें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए मोहब्बत के सजदे करें अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम नेमतों से, वो तमाम रहमतों से हिंदुस्तान को नवाजे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हिंदुस्तान को एक खुशहाल मुल्क हमेशा बनाए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।